ऐलान समात फरमा लो 14 ज़िलहज इसे इमाम बारगाह मजलिस से अदाए पढ़न वाले सैयद इकबाल हुसैन शाह अलीबास अस्करी जाकिर शहनशाह सैयद शाहिद अब्बास नकवी इमरान खादम बिजली अरफान शाह मलक इलियास 16 ज़िलहज इमाम बारगाह हुसैनिया कबाड़ी बाजार खारियाँ मजलिस से अदाए हाफिज़ तसद्दक़ हुसैन शाह सैयद ऐगम अब्बास अली नासर उल हुसैनी मोहम्मद अब्बास रिजवी यासर रजा जंडवी और काफ़ी ज़ाकरीन 16 ज़िलहज इमाम बारगाह हुसैनिया कबाड़ी बाजार खारियाँ 5 जून बामकाम बन्नी मजलिस से अदाए मुल्क दे नामवर उलमा ज़ाकरीन खिताब फरमान दे मजलिस से अदा ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी और ठीक 1 बजे इख्तिताम मजलिस से तमाम मोमिनीन अगे इन्हां मजालस विच शिरकत की अपील है। हुण मैं गुजारिश करांदा अलामा सैयद शाहिद अब्बास नकवी साहब अगे कि वह मैंबर से तशरीफ लियावन और खिताब फरमान आओ बिस्मिल्लाह चलो आ जाओ दुआए सरकार वली उल असर हुज्जत दावराम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सात व फी कुल साअत वलियं व हाफिज़ं व काइदं व नासिरा व दलीलं व आइना हत्ता तुस्कनहु अर्ज़क़त तौबा व तो मतफ़ीहा तवीला या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्ला मोहम्मद व आल मोहम्मद वाजिल फ़रज आल मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावात पढ़िएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिल अंबिया वल मुरसलीन सलावात वालेह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बावाज़े बुलंद सलावात पढ़िएगा। नारे तकबीर अहबाब काफ़ी तशरीफ़ फरमा हैं बा जमात इबादत फरमाएँ जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ फरमा हैं बावाज़े बुलंद जवाब दें नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत या इमाम अल मुंतज़र बावाज़े बुलंद बहुत बड़ी इबादत है। मासूम फरमाते हैं मेरे ज़हूर की कसरत से दुआ मांगा करो इसमें तुम्हारी मुश्किलात का हल है। या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतज़र बावाज़े बुलंद सलावात पढ़िएगा। करम है आले यासीन का आबाद रहें सलामत रहें करम है आले यासीन का कोई माने न माने उसकी अपनी मर्जी है करम इनका दुश्मनों पे भी होता है इतने करीम होते हैं। जितने वाजिबुल इहतराम तशरीफ़ फरमा हैं पहला लफ्ज़ दोहराने लगा हूँ करम है आले यासीन का और ख़ुसूसी सदका वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल अरब वल अजम आलम आले मोहम्मद बादशाह इमाम रज़ा की नालैन से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दक में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अली का ख़जाना रखा और
विलायत अली को वसीला बनाकर दरख्वास्त गुजार हूँ वली उल असर हुज्जत दौरा मशीयतुल्ला इरादतुल्ला कुदरतुल्ला कायम आले मोहम्मद मकसूद आले मोहम्मद मतलूब आले मोहम्मद के रुख से हिजाब गैबत हटाएं और कायनात को आके समझाएं भी और दिखाएं भी कि वजहुल्ला कैसा होता है। इज़्ज़त माब बस चंद मिनटों के बाद मिंबर पे आएंगे और मिंबर उनके हवाले। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस के रिज़्क इज़्ज़त बख्त में इजाफा फरमाए, आमीन। सारे आखियो मालिक मरहूमा मकफूर भाई अमजद हुसैन और इस ख़ानदान के जितने बुज़ुर्ग दुनिया से गए हैं ज़िक्र के सदका उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ुल फरमा। आप जितने अजर रिसालत की अदायगी के लिए तशरीफ़ फरमा हैं एक एक लम्हा इबादत में शुमार फरमा। वारस खून हुसैन का जल ज़हूर फरमा। वतन अज़ीज़ को माल ख़तरात से महफूज फरमा। अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की हिफाजत फरमा। कायनात के आखिरी नबी तशरीफ़ फरमा हैं। कायनात के आखिरी नबी खातमुन नबीय्यीन सैयदुल मुरसलीन। हर नबी के बारे में अल्लाह ने कहा अगर मुर्दे ज़िंदा करोगे मेरे इज़न से, अंधे को बिनाई दोगे मेरे इज़न से इजाज़त से। लेकिन जब सरकार रिसालत तमाम की बारी आई ना तो अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब तुझे इजाज़तें लेने की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह ने तुझे अपने इज़न का वारस बना दिया है। आबाद रहे, मैं अल्लाह ने तुझे अपने इज़्न का वारिस बना दिया है। सरकारे रिसालत तमाम तशरीफ़ फरमा है। जितने मेरे वाजिबुल इहतराम बैठे हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद सहाबी है चलता हुआ सरकार के पास आया। आखिरी बंदे तक तवज्जो, करीब आके सलाम करके कहने लगा मौला मेरे माँ बाप कुर्बान अल्लाह के नबी आप मुझे आज हक दिखाएं। आबाद रहें, मुझे हक दिखाएं। अजीब बात है जो हक की बात करे सर कलम उसी का हो। वफा की रस्म जमाने से उठ गई कैसी। हक और बातिल का सबसे पहले मार्का उस वक्त हुआ जब इबलीस ने सजदा आदम का नहीं इताते खुदा का इनकार किया। तवज्जो है जी। फिर यही जंग आगे सदियों पे मोहित हो गई। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मुझे हक दिखाएं। सरकार फरमाते हैं अंदर कमरे में जा। तवज्जो है, अंदर कमरे में जा। अब उसने सवाल किया था मौला मुझे हक दिखाएं, सरकार ने फरमाया अंदर कमरे में जा। क्या देखता है? जैसे कमरे का दरवाजा खुला अंदर गया अमीर अल मोमिनीन यसुबुद्दीन अली अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हैं। कदम रुके, इतना तो पता चल गया कि हक क्या है। लेकिन सरकार ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ के अल्फाज क्या हैं? ऐ अल्लाह तुझे सरकार मुस्तफ़ा का वास्ता मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। ऐ अल्लाह तुझे सरकार मुस्तफ़ा का वास्ता मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। कहता मैं जल्दी से वापस मुड़ा, मैंने देखा कायनात की आखिरी नबी बच्चे तखली के कायनात दुआ के लिए हाथ बुलंद किए हुए। मैं रुक गया, मैंने गौर से आवाज़ सुनी तो सरकार रिसालत तमाम फरमा रहे थे ऐ अल्लाह तुझे मेरे अली का वास्ता मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। कहता मैं हैरान हो गया और हैरानी के आलम में
मैं कहता हूँ मौला हक तो मुझे समझ आ गया, लेकिन जब मैं अंदर गया तो अली दुआ मांग रहे थे और अली क्या फरमा रहे थे, अल्लाह तुझे सरकार मुस्तफ़ा का वास्ता, मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। और आप दुआ मांग रहे अल्लाह तुझे मेरे अली का वास्ता, मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। सरकार रिसालत तमाम फरमाते हैं हक का तुझे पता चल गया है, अगली बात भी सुन। अल्लाह को दो ही वसीले पसंद है, या अली का वसीला या मोहम्मद का वसीला। और यही बात है कि सहाबी रसूल अम्मार सरकार के करीब आए और आके कहने लगे मौला मुझे कुछ नसीहत फरमाए। तवज्जो है जी, मुझे कुछ नसीहत मौला फरमा। तो सरकार फरमाते हैं अम्मार यासर जी मौला मेरे बाद अगर तू देखे, मेरे बाद अगर तू देखे कि एक तरफ सारी औलादे आदम जा रही है, तवज्जो है, एक तरफ सारी औलादे आदम जा रही है और एक तरफ मेरा अली जा रहा है, तो सरकार फरमाते हैं अम्मार यासर याद रखना अली को ना छोड़ना, अली हक है। अली को ना छोड़ना, अली हक। आवाज बुलंद सलवात पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह इज्जत माब जनाब अल्लामा अली नासर अल हुसैनी साहब, बिस्मिल्लाह किबला खुश आमदीन। मोमिनीन थोड़ा थोड़ा अग्गे हो जाओ ताकि जेडे दोस्त आउणगे उन्हां वास्ते। बस किबला एक मिनट के बाद नंबर आपके हवाले। फरमाया मेरे अली को ना छोड़ना, अली बिस्मिल्लाह हक है। आखिरी जुमला और इज्जत में आपके हवाले मिंबर करने लगा हूं। मालिक आप सबको सलामत रखे। अली को ना छोड़ना, अली हक है, अली हक है और यही हमें तुर्रा इम्तियाज है। हम अली वाले हैं, इसलिए हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं हम अली के साथ हैं, अली को मानते हैं, हम हक पर हैं। और जब बुतों को तोड़ने का मौका आया तो सरकार ने क्या फरमाया, या अली मेरे करीब आओ। अली को कहाँ बुलंद किया, यार थोड़ा सा बोलो बस छोड़ने लगा हूं अपने कंधों पे। अली इन बुतों को तोड़ो। तो आज तक दुनिया को समझ नहीं आई, अल्लाह ने मेरे नबी का साया ही नहीं बनाया। भाई अगर साया बनाते, साया कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, तो फिर मुझे कहने का हक है ना, जब अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती तो साया भी मुस्तफा जैसा हो, यानी साया हो, कभी साया आगे होता है। अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि साया भी मेरे मुस्तफा से आगे हो, तो फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दो, जो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता साया आगे हो वो हम साया कैसे बर्दाश्त करेगा। आपको सलामत रखे। साया कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, और पीछे अगर हो तो पीछे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मेरे करोड़ों सलाम सहाबा इकराम की अजमत पे। अल्लाह ने गवारा ही नहीं किया किसी सहाबी के कदम साया मुस्तफा पे आए। आखिरी जुमला कहने लगा हूं, अब दुनिया को समझ आना चाहिए ना, जो साया मुस्तफा पे कदम ना रख सके वो और है, जो मौरे नबूवत पे कदम रखे। या अली मेरे करीब आओ। मैं कहता हूं अगर सरकार इशारा करते किबला सारे बुत टूट जाते, इशारा कर दे सारे बुत टूट जाते। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। फरमाया या अली कदम रखो, इन बुतों को तोड़ो। अगर तारीख का मुतालिया करेंगे तो दो ही हस्तियां मिलेंगी,
जिन्होंने बुत तोड़े, बुत तोड़े, पूछने वाले तो बहुत हैं। एक जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े, एक सरकारे अली अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े, लेकिन फर्क बड़ा है शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े कदम जमीन पे थे, जब अली ने बुत तोड़े कदम मोहरे नबूवत पे। अली बुत तोड़ रहे हैं, सरकारे रिसालत ने माफ फरमाते हैं, या अली अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? आखिरी जुमला, या अली अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? का मौला मैं बड़ा खुश नसीब हूं, मैं कारे हक, हक पे बात शुरू की थी, मैं कारे हक अंजाम दे रहा हूं। अली मौला फरमाते हैं मैं कारे हक अंजाम दे रहा हूं। सरकारे रिसालत माफ, वछे तखलीके कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौसो तस्लीम के मालक, वछे तखलीके कायनात, सरकार फरमाते हैं अली तू बड़ा खुश नसीब है, तू कारे हक अंजाम दे रहा है, मैं कितना बड़ा खुश नसीब हूँ, मैंने हक को उठाया हुआ है।